नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 मई दिन मंगलवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब शराबबंदी का दिख रहा सकारात्मक असर। पिछले साल के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची बिजली की मांग। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 11वीं में बिना एडमिशन के भी बच्चे करेंगे क्लास। फिल्म प्रोडक्शन में जाने को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने कही ये बात, 31 मई तक कर ले ये काम वरना गैस कनेक्शन हो जाएगा खत्म। इस खिलाड़ी ने इस बार आईपीएल फाइनल में जड़े सबसे ज्यादा छक्के। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी ने एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकाली भर्ती। एनटीपीसी ने एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 से लेकर 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता आप इसके अधिसूचना में देख लें। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए भी इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देखें। बिहार में अब शराबबंदी का दिख रहा सकारात्मक असर। बिहार में आज से ठीक 8 साल पहले पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। शराबबंदी के अब 8 साल बाद इसका सकारात्मक असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में घरेलू हिंसा के मामले, लोगों की सेहत में सुधार जैसे और भी कई सकारात्मक असर सामने आ रहे हैं। दरअसल द लैसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया ने जर्नल में प्रकाशित नई रिसर्च के मुताबिक शराब बंदी के बाद से 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक शराब बंदी के कारण 21 लाख घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है। भावनात्मक हिंसा में 4.6% की कमी दर्ज की गई है, तो वहीं यौन हिंसा में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे त्रिमोहिनी संगम के बारे में। त्रिमोहिनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिला के कटरिया गांव के निकट स्थित नदियों का संगम है। यहां प्रमुख रूप से कोसी का गंगा में मिलन होता है, जिसके साथ ही कलबहिया नदी की एक छोटी धारा की उत्पत्ति होती है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा का संगम है। यहाँ करीब 14 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। इस कारण भी संगम स्थल की धार्मिक महत्वता है। हर वर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की भीड़ यहां गंगा स्नान के लिए उमड़ती है। भारतीय परंपरा में गंगा स्नान को पाप नाशक माना जाता है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उन्हीं में से एक है। मुंडन सहित सनातन धर्म के अन्य संस्कारों के लिए भी हजारों लोग यहाँ आते हैं। मान्यता है कि संगम तट पर अंतिम संस्कार से मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिछले साल के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची बिजली की मांग। इस बार भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। अधिक गर्मी होने के कारण घरों में बिजली की भी अच्छी खासी खपत हो रही है। अधिक बिजली की खपत के कारण अभी से ही ये पिछले साल के रिकॉर्ड के बराबर आ पहुंचा है। बिजली की मांग रात के 11 बजे तक पिक आवर में 774 मेगावाट तक आ चुका है, जो अब तक के गर्मी में सबसे अधिक बिजली की मांग है। अधिक बिजली के कारण लोग कूलर और एसी का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं, जिसके कारण पिछले साल के मुकाबले बिजली की मांग रिकॉर्ड के बराबर पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 11वीं में बिना एडमिशन के बच्चे भी करेंगे क्लास। बिहार में शिक्षा विभाग ने 11वीं के बच्चों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिस विद्यालय से जिन बच्चों ने 10वीं की परीक्षा पास की है, वे 11वीं में बिना एडमिशन लिए भी अपनी कक्षा प्रारंभ कर सकेंगे। बाद में उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक विज्ञप्ति जारी किया है। इसके मुताबिक 30 मई से 8 जून तक मासिक परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश पर विद्यालयों के प्रधान कह रहे हैं कि जिन बच्चों का 10वीं के बाद एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे तय करेंगे कि हमारे यहाँ आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के कितने बच्चे नामांकित होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल जारी किए हैं, उसके मुताबिक आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई तक की गई है।
बिहार टीम का नेशनल एथलेटिक्स में होगा चयन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 19वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 और 17 जून को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में होने वाला है। इसके बाद 63वें नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 30 जून तक पंचकुला में होने वाला है। इन आयोजनों के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 जून को बिहार टीम का चयन बिहार राज्य एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसके सचिव लियाकत अली ने बताया है कि इस चयन प्रतियोगिता में 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 16 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से नीचे के बच्चों का चयन होगा। जो भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक हैं, उनके पास AFI के द्वारा जारी किया गया ID होना जरूरी है और एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा टूर्नामेंट को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए ₹200 रजिस्ट्रेशन शुल्क अनिवार्य है। सुबह 7 बजे पाटलिपुत्र खेल मैदान में 6 जून को चयन प्रक्रिया शुरू होगी। जीविका की तरफ से डिजिटल पुस्तकालय का होगा चयन। पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र जीविका की तरफ से संचालित किए जा रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को अब टैबलेट की सुविधा भी दी जाएगी। शुरुआत में टैबलेट की सुविधा 32 जिलों के 55 प्रखंड में मुहैया करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों को टैबलेट दिए जा रहे हैं ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ये पहल जीविका की तरफ से शुरू हुई है। इस डिजिटल पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा की किताबें, मैगजीन, अखबार आदि भी मौजूद रहेंगे। 31 मई तक कर लीजिए काम वरना गैस कनेक्शन हो जाएगा खत्म। यदि आप 31 मई तक LPG की बायोमेट्रिक EKYC नहीं करवाते हैं तो 1 जून से आपका गैस कनेक्शन खत्म हो जाएगा। यदि आपका गैस कनेक्शन खत्म होता है तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे। LPG की बायोमेट्रिक EKYC सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को करवाना जरूरी होगा। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने LPG की बायोमेट्रिक EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसे आप चाहें तो ऑनलाइन अपडेट भी करवा सकते हैं, साथ ही गैस एजेंसी में जाकर भी इसे करवा सकते हैं। फिल्म प्रोडक्शन में जाने को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने कही ये बात। फिल्म प्रोडक्शन में जाने को लेकर सोनाक्षी सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म प्रोडक्शन में उतरने की उन्हें जल्दबाजी नहीं है। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में कृति सेनन, आलिया भट्ट और तापसी पन्नू जैसे कई अभिनेत्रियां हैं जो एक्टिंग के साथ ही फिल्म निर्माण में भी सक्रिय हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि फिलहाल मेरे पास जिस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं तो मैं अपनी एक्टिंग और अपनी नेल्स कंपनी चलाने में बिजी हूँ। मुझे अभी जिस तरह से काम के प्रस्ताव मिल रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छे काम करना और चुनना चाहती हूँ। मेरे पास फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए टीम के साथ बैठने और स्क्रिप्ट पर काम करने का समय नहीं है। मतगणना कराने के लिए दूसरे राज्यों में जाएंगे बिहार के 83 अधिकारी। दूसरे राज्यों में बिहार के 83 अधिकारी मतगणना कराने के लिए तैनात किए जाएंगे। बिहार के 83 अधिकारियों को एक प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें 28 IAS और 55 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आपको बता दें कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए नियुक्त किए गए मतगणना प्रेक्षक 31 मई तक अपने निर्धारित स्थानों पर योगदान देंगे। वहीं 2 जून तक अन्य राज्यों के लिए नियुक्त प्रेक्षक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि 4 जून को देश भर में मतगणना की तिथि निर्धारित है। अब आसानी से होगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हर किसी के लिए जरूरी है ताकि विपरीत परिस्थितियों में ये काम आ सके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को कभी कभी खारिज कर दिया जाता है। कभी ये क्लेम डॉक्यूमेंट जमा नहीं होने पर तो कभी क्लेम डॉक्यूमेंट देरी से जमा करने पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सही डिटेल्स दिए जाने के बाद भी क्लेम निपटान में देरी हो जाती है। केंद्र सरकार ऐसी समस्याओं पर अब लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा आने वाले कुछ समय में नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च किए जा सकते हैं। इससे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएंगे। अगले 2 से 3 महीने में इस पोर्टल की सेवाएँ पूरे देश में उपलब्ध हो जाएंगी। बिहार में रेमल तूफान का दिख रहा असर। बिहार में रेमल चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। इसका असर बिहार में 5 से 6 दिनों तक रह सकता है। इस चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार व भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच देखने को मिल सकती है। मैनुअल RC वाले गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। मैनुअल RC वाले गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। पटना मुख्यालय ने इसे लंबे समय के इंतजार के बाद मंजूरी दी है। इसकी मदद से 15 साल पुराने गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन अब आसानी से हो जाएगा। आपको बता दें कि 15 साल पुराने पर्सनल वाहन जिनका RC मैनुअल था उनके री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रोक दी गई थी।
विभाग द्वारा री रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन के समक्ष डीटीओ और एमवीआई के संयुक्त तस्वीर को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के इंजन, चेचेस आदि की गहनता से जांच करने को भी कहा गया है। मुंगेर से शराब तस्करी में 39 लीटर शराब के साथ पकड़ी गई दो महिलाएं। बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के साथ दो महिला तस्कर को भी धर दबोचा है। दरअसल कोतवाली थाना की पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी से लाई जा रही 39 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। शराब तस्करी में पकड़ी गई दोनों ही महिला न्यू जलपाईगुड़ी से जमालपुर ट्रेन से के जरिए आई थी, फिर ये ऑटो के जरिए जमालपुर से मुंगेर जा रही थी, जहां पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पूछताछ के दौरान दोनों ही महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वे इससे पहले भी दो बार शराब की खेप लाकर बेच चुकी हैं। छात्र को जान से मारने पर पटना यूनिवर्सिटी ने अगले आदेश तक स्थगित की परीक्षाएं। बिहार की राजधानी पटना में पटना विश्वविद्यालय से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कुछ अज्ञात बदमाशों ने पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र को पीट पीट कर मार डाला। ये घटना लॉ कॉलेज कैंपस सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही एसपी सिंडल के साथ कई थानों के पुलिस पहुंची। मृतक का नाम हर्ष है, जो वैशाली के मझौली गांव के रहने वाला था। इस घटना के सामने आने के बाद पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन भी काफी दुखी है। साथ ही आज सभी कॉलेज को बंद करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। इसके अलावा प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया है कि विश्वविद्यालय की तरफ से अगले आदेश तक सभी स्नातक और पीजी की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कैमूर के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने पहुंची लोक गायिका मैथिली ठाकुर। कैमूर के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची। यहां वे मतदान जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर को बिहार निर्वाचन आयोग ने अपना आइकॉन बनाया है। मतदान जागरूकता कार्यक्रम भभुआ के लक्ष्मी भवन में आयोजित हुआ था, जहां मैथिली ने लोगों को वोट करने की अपील की। साथ ही अपने लोकगीत के जरिए मतदान को लेकर लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान मैथिली ने कहा कि आपके वोट से एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। चुनाव के दिन 1 जून को सारा काम छोड़कर पहले मतदान करें, उसके बाद आप कोई भी काम करें, आप मतदान जरूर करें और लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। पैन कार्ड धारक के लिए जरूरी खबर, ये काम नहीं किया पूरा तो होगी सख्त कार्रवाई। 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप पैन कार्ड धारक हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करवाने वालों को दोगुना दर से TDS का भुगतान करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। CBDT ने कहा है कि 31 मार्च 2024 में हुए लेनदेन से जुड़े खातों में यदि 31 मई 2024 को या उससे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर दिया जाता है तो TDS को उच्च दर पर संग्रह या कटौती करने के लिए नहीं कहा जाएगा। नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही ये बात। बीते सोमवार को नालंदा लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार चुनावी सभा करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में वोट अपील की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे उन्होंने एक मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चुनाव बाद हमें सब जगह घुमाइएगा, जहां कहीं भी कमी होगी उसे पूरा करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम 1995 से भाजपा के साथ हैं, बीच में दो बार हम राजद के साथ गए लेकिन गड़बड़ किया तो हटा दिया। अब हमने तय किया है कि अब बाएं दाएं नहीं होने देंगे, साथ रहेंगे, हमने सबके हित में काम किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बीते दिन सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में इंडिया गठबंधन के समर्थन में 3 जनसभाएं की, जिसमें पटना साहिब पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र और आरा का जगदीशपुर शामिल रहा। अपने जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को भगवान ने नीचे भेजा है, भगवान ने नरेंद्र मोदी को अडानी जी का काम करने के लिए नीचे भेजा है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगे लेकिन मजदूरों के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। देश के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। देश में सिर्फ 25 से 30 लोग ही अमीर हैं, बाकी करोड़ों लोग गरीब में जी रहे हैं। कांग्रेस इन सभी समस्याओं को झटके में खत्म कर देगी। सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर तंज। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के तिलौथों में सम्राट चौधरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक गरीब के बेटे ने रामनवमी में हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाया, जिसका उसे भगवान का श्राप लगा है। मछली का कांटा ऐसा पेट में अटका कि 34 साल का युवक व्हील चेयर पर आ गया। उन्होंने तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा कि जो चोर होते हैं वो सिनाजोरी से बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जैसे देश को ठंडा कर दिया है, ऐसे में यहाँ के भी कुछ लोगों को ठंडा करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को बताया झूठा। बीते दिन लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के मतदान के लिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ चुनावी जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान तेजस्वी भाजपा नेताओं पर जमकर बरसते नजर आए। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी का भाषण अब कोई नहीं सुनना चाहता, वो मंदिर मस्जिद मटन मछली और मुजरे की बात करते हैं, उनका यही मुद्दा है। वो बिहार आकर लालू जी को, तेजस्वी को, राहुल गांधी को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री पद की उन्हें गरिमा रखनी चाहिए थी। पीएम मोदी को झूठा बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा इनका बस चले तो ये गोबर को भी हलवा बना दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमें जेल भेजने की गारंटी देते हैं, पर हम आपको नौकरी देने की गारंटी देते हैं। इस खिलाड़ी ने आईपीएल फाइनल में जड़े सबसे ज्यादा छक्के। हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। इस बार के आईपीएल मैच में सबसे बड़ी टीम स्कोर का रिकॉर्ड टूटा है और दूसरा सबसे बड़ा टीम टोटल बना है। साथ ही इस बार सबसे ज्यादा सिक्स का भी नया रिकॉर्ड बना है। इस आईपीएल में अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए अवार्ड सेरेमनी के दौरान कैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला है। साथ ही 10 लाख रुपए की इनाम राशि भी दी गई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1414 में खिजर खान ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया था और सैयद वंश के शासन की नींव रखी थी। आज के दिन वर्ष 1883 में कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1923 में दक्षिण भारत में नंदमूरी तारक रामा राव का जन्म हुआ था। ये फिल्मों में अपार सफलता हासिल करने के बाद राजनीति में कदम रखे और 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। आज के दिन वर्ष 1970 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का औपचारिक तौर पर विभाजन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया था। व्हाट्सएप ने अपने वॉइस नोट्स में किया ये बदलाव। व्हाट्सएप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा को लेकर कई तरह के बदलाव और अपडेट लाता रहता है। इसी कड़ी में एक व्हाट्सएप को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां कहा गया है कि कंपनी जल्द ही इसके इंटरफेस को पूरी तरह से बदल सकती है। वहीं WA Beta Info के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए अपने स्टेटस फीचर को बेहतर करने का काम कर रहा है। मेटा के इस ऐप पर पहले 30 सेकंड का वॉइस नोट्स शेयर करते थे, लेकिन अब आप 1 मिनट तक का वॉइस नोट्स भी शेयर कर सकेंगे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय ने लोगों को साइबर अपराध को लेकर किया आगाह। बिहार के इस डिजिटल युग में साइबर अपराध भी बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को बार बार डिजिटली अपराध से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इन दिनों साइबर ठग SMS स्कैम का तरीका भी अपना रहे हैं। SMS के जरिए ये जालसाज किसी तरह के ऑफर, गिफ्ट या स्कीम का लालच देकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट और टेलीकॉम और गृह मंत्रालय ने इससे बचने के लिए संचार साथी का कार्यक्रम भी शुरू किया है। साथ ही मंत्रालय ने साइबर अपराध को लेकर कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उन पर कार्रवाई की है। मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि किसी को भी संदेहास्पद मैसेज मिलता है तो तुरंत संचार साथी पर उपलब्ध चक्षु सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इसकी सूचना देनी चाहिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उससे जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में किस कंपनी ने सोशल बोर्ड का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है सैमसंग, ऑप्शन बी है नॉइज, ऑप्शन सी है हैमर, ऑप्शन डी है बोट। इसका सही उत्तर है नॉइज। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही उत्तर है जापान। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन है मोतिहारी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है छपरा।
इसका सही उत्तर है मोतिहारी। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है विजयवाड़ा। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रवि कुमार, राम अवधेश कुमार, सपना कुमारी, कृष्णा कुमार, अतीक खान, मंटू कुमार, रविंद्र राज, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, विद्यासागर, पंकज कुमार दास, साजुल्ला पालवी, चंचल झा, सूरज कुमार, संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के राज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में रेमल तूफान का असर देखने को मिल रहा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।